नोबिता बेटा, नोबिता, नोबिता, ये बताओ तू क्लास में हमेशा सोते क्यों रहते हो? हाँ, क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। मुझे नींद आ रही है। थी लेकिन अब तुम चले जाओ। माँ मुझे बहुत होमवर्क करना है। अच्छा फिर जल्दी खत्म कर दो, होमवर्क के बाद बाजार चले जाना। मैं आ गया, मुझे बहुत नींद आ रही है। डोरेमोन तुम बिजी हो, अपने गैजेट साफ कर रहे हो। ये कौन सा गैजेट है? मुझे बाद में दोगे ना डोरेमोन? कुछ गड़बड़ है। मैं बहुत अच्छे से सुना। ये क्या है? ये है नींद वाला स्टिकर। मुझे गैजेट साफ करनी थी लेकिन मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मैं ठीक से सोया नहीं। तुम इसे अपना पूरा काम बता दो और इसे अपनी आंखों पर लगा लो तो तुम सोते हुए भी काम कर सकते हो। इस तरह नींद भी पूरी होगी और काम भी। अच्छा बढ़िया है, अब सब साफ हो गया। मुझे इसी तरह का गैजेट चाहिए था, ये मेरे बहुत काम का है। तुम्हें गैजेट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये तुम्हें और आलसी बना देगा नोबिता। प्लीज डोरेमोन मुझे ये गैजेट इस्तेमाल करने दो ना। नहीं दूंगा। प्लीज डोरेमोन थोड़ी देर। अच्छा ठीक है लेकिन बस थोड़ा सा। पहले मुझे अपना होमवर्क करना है फिर मुझे मार्केट जाना है। ये अभी से सोने लग गया? इसे इतनी जल्दी नींद कैसे आ जाती है? इसने होमवर्क भी शुरू कर दिया। चलो अच्छा है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। वैसे भी नोबिता जाग कर तो होमवर्क कर नहीं पाता तो सोते हुए कैसे करता? कहाँ जा रहे? ध्यान से देखिए, लाला बहुत अच्छे थे। तुमने इतनी जल्दी होमवर्क कर लिया? अरे वाह, नाश्ता तो बहुत अच्छा है। ठीक है तो जाओ और हरी प्याज गाजर और गोभी ले आओ। बार बार खाएंगे। सच में सभी लोग, मुझे इसकी फिक्र हो रही है, इसके पीछे जाता हूँ। ये कैसे चल रहे हो तुम नोबिता? तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे नहीं, तुम्हारा स्वागत है। क्या चाहिए बच्चे? मोनिया मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हमें चाहिए हरा प्याज गाजर और गोभी। मुझे तो इस पर हमेशा नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा तो यही होगा अगर मैं बाजार चला जा करूं और ये घर पर रहे। अरे तुम कहाँ देख कर चल रहे हो? ए नोबिता, नाश्ते के लिए शुक्रिया।
मैं सोते हुए भी खा सकता हूँ। बोलो मेरा नाश्ता कहाँ है? ओ, शायद मैंने खा लिया। क्या कहा? माफ कर दो डोरेमोन। तुम सोते हुए खा रहे थे, तुम्हें स्वाद का पता भी नहीं चला होगा, है ना? अरे कोई बात नहीं, अगर मुझे नींद में भी किसी चीज का स्वाद पता नहीं चला हो पर नींद तो अच्छी आई। अब मैं इसे खेलते वक्त भी इस्तेमाल करूँगा। अरे हाँ, मैं शिजुका के साथ भी नींद में खेल सकता हूँ। खेलने जा रहे हो? क्या तुम खेलते वक्त सोने वाले हो नोबिता? सोना या खेलना, ये सही नहीं होगा अगर मैं किसी एक को चुनूं। अगर तुम दोनों चीजें एक साथ कर सकते हो तो कितना अच्छा होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलो मैं शिजुका के घर जाऊं। इतना ज्यादा सोना अच्छा नहीं होता है नोबिता, कुछ समय बाद तुम्हें मुश्किलें हो जाएंगी। मैं हर वक्त तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा। ये एकदम नई कॉमिक है जो आज ही आई है, तुम बुरा नहीं मानना और तुम्हें ये पढ़ने नहीं दूंगा। तुम्हें पढ़ना है ना? अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लो ना इसे पढ़ लेना। तुम मुझे बात क्यों नहीं कर रहे? अरे संभल कर, उसे हो क्या गया है आखिर? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। रुको, ऐसा क्यों लग रहा है कि दरवाजे कोई अजीब सी आवाजें कर रहा है? अरे नोबिता, तुम्हारा स्वागत है। अरे नोबिता, माफ करना शिजुका, वो क्या है कि नोबिता थोड़ी नींद में है। क्या सच में? ये बहुत गहरी नींद में है, पता नहीं ये कैसे खेल रहा है। हाँ, लेकिन नोबिता को इससे कोई परेशानी नहीं है। गुड मॉर्निंग, हम खेल रहे थे क्या? हमने बहुत मजे किए ना? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। शिजुका, इसे जाकर अंकल के पास भेज दो। जी मॉम। जी, मैं इसे सोते हुए देने जा सकता हूँ? हाँ? अब इसका इस्तेमाल करना बंद करो, सोते वक्त तुम आसपास के लोगों को परेशान कर रहे हो। लेकिन क्यों? सोते हुए मैं वही करता हूँ जो लोगों के लिए सही हो। मैं अपनी नींद से लोगों का फायदा करना चाहता हूँ। अब मैं शिजुका के अंकल को ये चीजें देने जा रहा हूँ। ये तो फिर से सो गया। सोते हुए किसी के लिए कुछ भी करना बिल्कुल आसान नहीं होता। ये ठीक तो हो जाएगा ना? इस तरह इसका ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा। मुझे मत करो ना, मैंने अभी ये किताब नहीं पढ़ी है, प्लीज। पढ़ने के बाद मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। झूठ मत बोलो। तुमने मुझे फिर से नहीं देखा नोबिता, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लग रहा है ना, उसके बर्ताव से उसके पास कोई पावर नहीं है। वो एकदम शांत है, नींद की आवाज है और उसकी आंखों में सुनापन है। देखो तो। बस मत करो, वो बस नोबिता है। मेरे पास मत आओ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर शुक्रिया नोबिता। मेरी बस छूट जाती थी, उठाने के लिए शुक्रिया। Hey!
कहाँ गए? और शायद यहीं पर है। मिल गए मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट। तुम्हारी मदद की शुक्रिया। हमारा शुक्रिया बच्चे। शुक्रिया।